हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरे देखेंगे लास्ट तक और तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जब हम किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो करना चाहते हैं तो कंडक्टर की दोनों एंड्स पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो दोनों एंड्स को बैटरी के दो टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इस कंडक्टर के बारे में। आप देखेंगे कि ये जो है इसका फर्स्ट एंड और ये इसका सेकंड एंड है। सपोज इसकी लेंथ है एल, ठीक है ना। जो फर्स्ट एंड है वो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी के। तो ये जो फेस है, ये वाला फेस, ये इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल मींस हाई पोटेंशियल और यहां नेगेटिव पोटेंशियल मींस लो पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों एंड के बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग दिस होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, सो अब हम यहां पर देखेंगे, यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइप से, और यहां पर एटम्स भी हैं, बहुत सारे एटम्स भी रखे हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जब ये मूव करेंगे तो ये अचानक इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होकर इधर आता है तो ये एटम से कोलिजन होगा, इसका कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करेगा फिर उसके बाद इधर कहीं आएगा, ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये टकराते टकराते कोलिजन करते करते इधर आगे बढ़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना। अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तब भी, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें जो है इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी फ्लोइंग में, इनके डायरेक्शन में, इनके मोशन में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी इस कंडक्टर की जो उसके उन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मोशन पर वो थोड़ा सा अपोज कर रहा है, उनके मोशन का अपोज कर रहा है या फिर उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये जो अपोजिशन है ये किसका है? ये किसी भी कंडक्टर का की एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हम देखेंगे कि अब रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का जिसके कारण वो कंडक्टर स्वयं से करंट फ्लो होने के या फिर चार्ज को फ्लो होने का अपोज करता है। तो ये रेजिस्टेंस, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देखते हैं कि इस कंडक्टर हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस का। तो हम देखते हैं कि जब इस पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वी, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है और उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अब यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज की। और यहां पर हम लिखेंगे आर आई। अब ये आर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम यहां पर बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई, ये है वी अपॉन आई। अब हम यहां पर देखते हैं, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी, इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो हम देख रहे हैं ये वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वो होती है वोल्ट, वोल्ट। और नीचे करंट है तो करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम लिखते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो अब हम रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हम बोलेंगे? ओम। और ये ओम कैसे पड़ा इसका, इसकी ऐसा यूनिट का नाम? क्योंकि इसको सबसे पहले, रेजिस्टेंस को सबसे पहले कैलकुलेट किया था साइमन ओम ने, और इसलिए इसका नाम पड़ा गया ओम, ठीक है ना। अब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं।
तो हम इसी फॉर्मूला से लेंगे आर, तो ये आर इक्वल वी अपॉन आई है। अब जो पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू मीन्स वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज। तो अब ये होगा और ये आई हो गया, ठीक। ये और क्या हो सकता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई आई। अब हम देखते हैं जो करंट फ्लो होता है, तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। जब यहां से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आई टी और इस वैल्यू में हम रख देंगे इस फॉर्मूला में, तो फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू अपॉन आई टी इंटू आई। क्यू की वैल्यू आई टी रख दी और ये आई बची, तो इसको यहां रख दिया। अब उसके बाद इसकी वैल्यू और क्या हो जाएगी, आर इक्वल डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू टी। तो अब हम देखते हैं कि W वर्क डन है और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस पावर टू, और ये करंट है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A कैपिटल A और इसका स्क्वायर, और ये T है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है। तो अब देख रहे हैं आप इससे एम एल स्क्वायर टी माइनस पावर थ्री एंड ए माइनस पावर टू, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब हम देखेंगे कि वन ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम फाइंड करेंगे। तो वो जो है वन ओम रेजिस्टेंस, उसकी डेफिनेशन हम किस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है R इक्वल वी अपॉन आई, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम इस पे अप्लाई किए हैं, अगर ये इफ ये हो जाता है वन वोल्ट, और जब करंट फ्लो होता है कितना वन एम्पियर, जब हम वन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं टू एंड्स के बीच में, तब जो करंट फ्लो होता है वो वन एम्पियर होता है, और तब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर, और ये कितनी हो जाएगी वन ओम। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जब हम किसी कंडक्टर के टू एंड्स के बीच में वन ओम का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उसमें जो करंट फ्लो होता है वन एम्पियर होता है, तब इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वन ओम रेजिस्टर रेजिस्टेंस। ओके, वन ओम रेजिस्टेंस। तो ये हुआ, ये हुई डेफिनेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो इस जो कंडक्टर है उसकी इस प्रॉपर्टी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स के बारे में जानेंगे हम। तो हम देखते हैं, हम एक इसकी पहले वाले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला निकाला था R इक्वल एम एन ई स्क्वायर टाउ और L अपॉन A, ये हमने बहुत पहले फॉर्मूला निकाला था। अगर आप ये समझ नहीं पाए कि ये कहां से आया है तो वो वाले वीडियो को आप देख लें, द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऐसा वीडियो का नाम है। तो अब हम यहां पर देखते हैं एम तो मास है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो कांस्टेंट है, तो फिर यहां पर और ई किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये कांस्टेंट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके होगा, एल के। मींस अगर हम देख रहे हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो क्योंकि ये लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर हम इसको टू टाइम इसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो ये रेजिस्टेंस टू टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स ये एक फर्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इसके रेजिस्टेंस को। सेकंड हम देख रहे हैं कि ये नीचे है, मीन्स ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब हम देख रहे हैं अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तब हम देख रहे हैं कि ये जब इंक्रीज होगी तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक। और अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होगी, तो ये एक और फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं थर्ड में हम यहां देख रहे हैं कि ये यहां पर एन है,
और n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अब ये जो n है ये नीचे है, मतलब r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ द कंडक्टर। तो हम देख रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं तो किसी एक मटेरियल लेंगे हम, तो उसके जितने भी पर यूनिट वॉल्यूम्स रहेंगे उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे। अगर हम दूसरे कंडक्टर लेते हैं, मटेरियल दूसरा लेते हैं हम कंडक्टर, ठीक है ना, तो अगर हम डिफरेंट मटेरियल का कंडक्टर लेते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। तो जब चेंज हो जाएंगे, अगर किसी एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है, अब हम देख रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक और कंडक्टर लिया हमने और एक और कंडक्टर लिया, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये इसको देखते हैं हम, इससे इसमें पर यूनिट वॉल्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये इंक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू, अब ये इंक्रीज हो जाएगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो पर यूनिट वॉल्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं किसी कंडक्टर की का नेचर, ठीक है ना। मीन्स ये जो नेचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कंडक्टर का नेचर। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक। और फोर्थ हमारा रहेगा, वो फोर्थ है एक और ये टाउ, ये है रिलैक्सेशन टाइम। अब हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, पहले तो उसको समझें। तो हम ये देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है और यहां के कोलाइड करता है इस एटम से, तो दो यहां एक बार इधर कहीं से आया, वो यहां कोलाइड करके फिर यहां कोलाइड किया, तो दो कोलिजन है उसके बीच जो टाइम लिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। मीन्स टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है ना, तो ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब हम देख रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम कब, जब अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं इस कंडक्टर की, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा, और एनर्जी गेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो यहां से यहां बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, और जब जल्दी पहुंच जाएगा तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम टाव है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां पर देखते रहे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाव, जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो टाव डिक्रीज हो जाता है, जब टाउ डिक्रीज होगा तो आर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात ना। अगर हम इसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जो है टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ये फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जब हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ओके, सो ये फोर फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ओके,